हम चल दिए हैं, रास्ते में हैं। अभी बजे हैं सुबह के 4 और आज का हमारा क्या प्रोग्राम है, दिवाली हम कैसे मना रहे हैं, कहाँ मना रहे हैं वो हम बताते हैं। हम जा रहे हैं कहीं दूर डेस्टिनेशन पे, और कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। और वी आर गेटिंग लेट फॉर फ्लाइट, बट इट्स नॉट ए वरी। इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि जो हमारे कप्तान साहब हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें ऑफलोड नहीं किया जाएगा और एटलीस्ट हमें फ्लाइट में तो चढ़ने दिया जाएगा। सो मिलते हैं आपको, दिखाते हैं, रहिए हमारे साथ दिवाली कैसे और कैसे हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। अपनी बैंगलोर ट्रिप के बारे में एक पूरा ही व्लॉग बना रही हूँ। पहले दिन छोटी दिवाली थी, तो अचानक हमें पता लगता है कि बेटे की फ़्लाइट लग गई है और उसे बैंगलोर जाना है। उसके पापा ऑलरेडी पहले ही घर पे नहीं थे, तो हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि एटलीस्ट हम साथ चलते हैं और साथ में दिवाली मनाते हैं। तो दिवाली से पहले दिन छोटी दिवाली को ही हमने घर को सजाया और लक्ष्मी माता की अपने घर में पूजा की, ताकि घर सोना ना रहे, अपने घर से पूजा करके ही हम लोग घर से निकले। तो पहले हमने अच्छे से सारे घर में बैठ के सब लोगों ने मिलकर स्पोर्ट हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि आज बड़ी दिवाली थी। तो मैंने क्या किया, घर से ना मिठाई का डब्बा लेके आई सभी के लिए, और कोशिश की कि जहाँ भी जो भी बंदे मुझे मिल रहे थे, चाहे वो स्वीपर्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चाहे वो कहीं के बस के हैं, सभी को मैं कोशिश कर रही थी कि दिवाली की मिठाइयाँ देखी चलूँ, चाहे वो बस के ड्राइवर हैं, सभी को मिठाई खिलाती हुई चलूँ, ताकि उनको भी अच्छा लगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, दिवाली की सिर्फ शुरुआत ही हुई है अभी। तो दरअसल ये जो फ़्लाइट है, इसका फर्स्ट ऑफिसर वरुण ही है। ये सेकंड फ़्लाइट है हमारी जब वो ऑपरेट कर रहा है और हम उसके साथ एज ए पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। कोशिश कर रही हूँ कि फ़्लाइट की छोटी से छोटी चीज़ें, चाहे वो कैसे बोर्डिंग होता है, कैसे बस में जाते हैं, फिर कैसे जहाज़ तक पहुँचते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ। एज ए मदर और मदर्स की तरह ही मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है, और मैंने हर छोटी चीज़ को कैप्चर करने की भी कोशिश की है। वैसे भी मेरे साथ एक अलग ही फैंटेसी है कि मैं कभी भी ट्रैवल करती हूँ फ्लाइट में आज तक, और हमेशा मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। कभी मुझे लगता नहीं है कि अभी लास्ट टाइम तो गए हैं। और ये हम पहुँच गए हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ। आज इसी एयरक्राफ्ट से हम बेंगलोर जाने वाले हैं। बोर्डिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो मैंने यहीं से कोशिश की, सबसे पहले ड्राइवर को मिठाई खिलाई, उनको दिवाली की विशेष दी हैं, और हमेशा की तरह एक बार कोशिश करती हूँ एयरक्राफ्ट की तरफ जाने का। और जैसे ही ये वाला एयरक्राफ्ट देखा, तो इसको देख के कुछ मेमोरीज भी आ जाती हैं फिर से, क्योंकि ये जेट वाला एयरक्राफ्ट है, तो उसको देख के लगता है कि अरे इसमें तो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार ट्रैवल किया है। और बस यहाँ पर वरुण भी आने ही वाला है, और वो कैब से अलग से ही अपने कप्तान के साथ आए हैं दोनों के दोनों। और जैसे ही हम लोग अपना यहाँ से बोर्डिंग पास दिखा करके ऊपर पहुँच गए हैं एयरक्राफ्ट में, और वहाँ जाकर मेनली मैंने वो अनाउंसमेंट रिकॉर्ड किए हैं जो क्रू की तरफ से हुई हैं, जो पायलट्स की तरफ से हुई हैं, वो भी मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल चीज़ें हैं। आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए यहाँ मौजूद है, लेकिन आपसे निवेदन है सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में। हमारे एसडीए 191 फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। वी वुड आल्सो लाइक टू वेलकम आवर स्पाइस क्लब मेंबर हु आर ट्रैवलिंग विद अस टुडे। आवर फ्लाइट टाइम विल बी 2 hours and 25 minutes। द फ्लाइट इज अंडर कमांड ऑफ कैप्टन हर्षवीर सिंह खाई एंड सेकंड इन कमांड फर्स्ट ऑफिसर वरुण कुमार पदाना। आवर कैबिन चीफ टुडे इज मोनोमी। First of all, I would like to wish you a very happy Diwali. For those who are interested, right now we are cruising at flight number 370, which corresponds to 11.5 kilometers of beach 11, and I'm cruising at decibel 77 Mach number, which is 77% speed of sound. And the speed we shall be over in Bangalore by 7:55 this morning. Degree Celsius for your comfort, we are maintaining 23 degrees Celsius.
और एक्सपीरियंस काफी कुछ इन गुड फेयर और अंदर की बिजनेस प्रेशर पॉलिंग असिस्टेड बाय गुरुवर मिनिस्ट्री हैदराबाद एंड ऑल द वे टू बैंगलोर. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग इंस्पिरेशन एंड वंस यू आर इन कॉन्टैक्ट विद बैंगलोर विल गेट बैक टू विद द लेटेस्ट वेदर एंड द लेटेस्ट लैंडिंग टाइम. थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली इन प्रेजेंस इन बैंगलोर. इस बात का भी एक अपना अलग ही आनंद होता है जब आप बच्चों को देखते हो कि धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में अपने करियर में कामयाबी की तरफ चल रहे हैं. तो एज ए पेरेंट्स एज ए मदर आपको बहुत खुशी होती है. सुबह के बज रहे हैं 6:15 और आप खिड़की में से बाहर देख सकते हैं पूरा आसमान एकदम केसरिया हो रखा है. कहीं ना कहीं सनराइज़ होने वाला है. चारों तरफ दूर दूर तक केसरी रंग बिखरा हुआ है. और आप यकीन मानिए उस वक्त इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि नीचे पूरा ब्लैक था क्योंकि अंधेरा था और ऊपर अंधेरे के ऊपर बिल्कुल उजाला हो चुका था. और इतना खूबसूरत लग रहा था चारों तरफ वो केसरिया रंग वो स्वर्णिम रंग सूरज की किरणें फैलती हुई धीरे धीरे से एक ताजगी बहुत ही अच्छे से अनुभव करा रही थी. जाते कैसे हैं? हैप्पी दिवाली आप सभी को. तो आज हम लोग दिवाली मनाने के लिए पहुंच चुके हैं बेंगलोर. देखो 2000 रुपए जब देखे. अच्छा
हेलो रूम टूर वेरी गुड अच्छा ये जितना मिट्टी मिट्टी वाला दिख रहा है इस पे दौड़ते थे घोड़े अच्छा अरे देखो घोड़े देख जरा वहां पे कितने सारे हॉर्स हैं वो देख ये देख देखो कैसे रनिंग कर रहे हैं उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं वेदर बहुत ही खूबसूरत होता है हमेशा बादल बादल तो कोई धूप नहीं है गर्मी नहीं है सर्दी नहीं है लेकिन उधर आप देखोगे दूर दूर तक एक बहुत ही बड़ा रेस कोर्स है सामने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जगह जगह घोड़ों की ट्रेनिंग भी चल रही है कुछ लोग अपना अपना हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा व्यू है जो हमें दिल्ली में आसपास देखने को नहीं मिलता है हेलो गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा और आज है क्या बड़ी दिवाली आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं माता लक्ष्मी आपके घर आए धन धान्य से आपके भंडार हमेशा भरे रहे यही शुभकामनाएं हैं सभी की क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग आए हैं तो बच्चे थके हुए हैं कोई कैसे अपने रेस्टिंग मोड में है तो बच्चों दिवाली का सेलिब्रेशन कैसे करेंगे हम सोके क्रैकर्स नहीं चलाओगे क्रैकर्स तो फ्लाइट में थी आज वरुण बिवेयर ऑफ क्रैकर्स हैप्पी दिवाली हाँ मुझे हमेशा अच्छी लगती है ये वाली जगह ना जब भी जाती हूँ तो यही जगह पकड़ लेती हूँ बैठने के लिए मैं आपसे कह रही हूँ Now we are doing our breakfast. ये पता गोल्ड प्लेटेड है मिठाई है क्योंकि ये रेस कोर्स है ना देख हर जगह घोड़े ही घोड़े हैं यहाँ पे घोड़े का नाम बहुत सारे हैं कौन सी फ्लोर पे हम 13 तो तुम जा रहे हैं स्विमिंग पूल जाना है पूल बार पे जाना है चाय पीनी है सिर्फ चाय और बोलना है कि लंच खा के आए हैं और हमारा पेट भरा हुआ है हमारा पेट हम नहीं खाएंगे अब सिर्फ चाय पिए और आपको बेटा अभी खाना चेक कर रहा था कि मुझे भूख लग रही है चाट वाट देखा तो मैं कोई बोल रहा हूं वगैरह देखा कि नहीं हमारा पेट भरा हुआ है तो क्योंकि तुम्हें बचपन से मैंने ऐसे ही बोल रखा है कि किसी के यहाँ जाके कुछ निकल सीधे चाय के साथ बिस्किट ले लें एक एक बस एक एक ही लेते हैं अच्छा ठीक है सीधे ले
निकलेगा ना। तो इस तरह आज पहली बार हमारी दिवाली जो थी वो घर से बाहर थी, हम लोग घर में नहीं थे और एक होटल में रह के ही हमें दिवाली का सेलिब्रेशन करना पड़ा, वहीं देखना पड़ा। और रात को फिर हम लोग वहाँ पर सो गए और अगले दिन ही हमारी गोवर्धन वाले दिन वहाँ से वापसी थी। तो सुबह सुबह बस हम लोगों ने फटाफट रेडी हुए और अपना आने के लिए तैयारी शुरू कर दी। और उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है, अनाउंसमेंट्स, क्या क्लाउड्स थे, क्या एटमॉस्फेयर था, वेदर कैसा था बेंगलोर का, कितने खूबसूरत बादल चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, वो सब भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो देखकर बताइएगा ज़रूर कि हमारी ट्रिप आपको कैसी लगी। जब हम बेंगलोर में थे तो पूरी रात उस दिन वहाँ पर बारिश होती रही, काफ़ी हैवी रेन हुई। और सुबह जब हम लोग वापस आ रहे थे तो आप देख सकते हो आसमान का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे कैनवस से चारों तरफ किसी ने रंग बिखेर दिए हों। एकदम बादल ऐसे लग रहा है जैसे आप बड़े अच्छे से कलर कहीं भरे हुए देखते हो, किसी सीनरी में सुंदर से कलर दिखाई देते हैं, उसी तरह चारों तरफ यहाँ व्यू दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर ये एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है जो सामने से जा रहा है, काफ़ी बड़ा सा, इसको भी हमने कैप्चर किया है। बेंगलोर से दिल्ली तक की दूरी 2 घंटे और 30 मिनट है, पूरी की जाएगी। इस फ्लाइट पर आशा बारह साल कैप्टन हर्षवीर सिंह एंड बस ऑफिसर कैप्टन वरुण। आपकी कैबिन टीम में आज तानिया, नवजीत, इट्स अ डिलाइट टू हैव यू ऑन बोर्ड स्पाइसजेट फ्लाइट SG-136 फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली। A special welcome to our Spice Club members traveling with us today. Our flight time will be 2 hours and 20 minutes. This flight is under the command of Captain Harshveer Singh and First Officer Captain Varun. Your cabin team today is Navji, Tanya. और DGCA के निर्देशों के अनुसार पूरी फ्लाइट के दौरान कृपया अपने नाक और मुंह को ढकते हुए अपना मास्क ठीक से पहने रखें। इन निर्देशों का पालन न करने पर स्कर्ट करवाना will drop automatically from the panel above you. Remain seated, remove your personal mask and pull the oxygen mask sharply towards you to start the oxygen flow. Place your mask over your nose and mouth and breathe normally before assisting others. There are 6 exits in the aircraft, 2 at the rear, 2 over the wings and 2 in the front of the aircraft. Please note that your nearest exit may be behind you. In case of low visibility inside the aircraft, exit par CD rakhe or window shades khula rakhe. Take off ke liye mobile phone ko power off your flight.
कल जब हम बेंगलोर आए थे दिल्ली से, तो हमने आपको उगता हुआ सूरज दिखाया था क्योंकि वो सनराइज का टाइम था, और आज क्योंकि हमारी फ्लाइट आफ्टरनून में थी तो जाते जाते सूरज डूबने का टाइम हो गया है। तो आज हम आपको सूर्यास्त दिखाते हैं कि ऊपर आसमान में 40,000 फीट की ऊंचाई पे जब सूरज डूबता है तो वो कितना खूबसूरत लगता है। वही खूबसूरत चारों तरफ स्वर्णिम किरणें, वही केसरिया रंग, धीरे धीरे वो अस्त होता चला जाता है और उसकी लालिमा चारों तरफ फैल जाती है। वो देखिए और उसका आनंद लीजिए। और धीरे धीरे हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के ऊपर, और क्योंकि कल दिवाली थी तो आप देख सकते हो आज कि कितना भयंकर पॉल्यूशन है ऊपर। इतना नीचे हम पहुंच चुके हैं लेकिन ऊपर से भी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये जो दिवाली की लाइटें हैं वो भी इतनी धुंधली दिखाई दे रही हैं, ना कहीं पे रनवे नजर आ रहा है, ना लाइटिंग पूरी तरह से अच्छे से नजर आ रही है। दिवाली पूरी पोल्यूशन में डूब चुकी है इस वक्त, और हम यहाँ पे अपना लैंड कर चुके हैं सेफली, और बस यहाँ से उतरकर अब अपने घर चले जाएंगे और जाकर अपनी गोवर्धन पूजा की तैयारी करेंगे। और आप लोगों से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। एज ए मदर उसकी क्या फीलिंग होती है, बस वही सब मैंने बताने की कोशिश की कि जब आप उस फ्लाइट पे जाते हो जिसका कप्तान आपका अपना बच्चा हो तो आपको कैसा महसूस होता है। कृपया इसको आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।